नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन फ्यूचर में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों DRDO की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है दोस्तों। तो ये टोटल 494 वैकेंसीज की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है दोस्तों, ये पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बींग। तो और ये जो है दोस्तों, ये अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कैडर के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये डेट जो एलिजिबिलिटी निकाली गई 29 अगस्त को ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, और सॉरी 29 अगस्त तक एलिजिबिलिटी जो है इसमें ये जो दी गई है उसको आपको धारण करनी है। इसके अलावा जो फॉर्म सबमिशन के लास्ट डेट है दोस्तों वो 29 अगस्त है। इसके बाद अगर दोस्तों हम पोस्ट देखते हैं तो किस सब्जेक्ट वाइज किस के लिए है, इसमें योग्यता नॉर्मली जो रखी गई है वो ओनली ग्रेजुएशन के लिए है, लेकिन कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी और स्पेशल सब्जेक्ट रखा गया दोस्तों। जैसे जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो BSc डिग्री नहीं एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, और इसके अलावा इसके लिए दोस्तों कुल 4 पोस्ट है। इसी तरह करके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी। अगर दोस्तों हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बॉटनी के लिए भी इसमें कुछ वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद जो है इसके अलावा आगे आएंगे तो केमिस्ट्री के लिए भी ये वैकेंसी है, करीब 24 पोस्ट है इसके लिए। सिविल इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए BSc डिग्री जो है सिर्फ मान्य है दोस्तों। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस डिग्री है, यानी 79 पोस्ट है इसमें। इसी तरह करते हुए दोस्तों जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए सबके अलग अलग पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी दोस्तों इसमें 100 पोस्ट आपको रखी गई है। इसके बाद जो है आगे आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा है दोस्तों, इसमें भी 140 पोस्ट है करीब, और जूलॉजी में 5 पोस्ट है, फिजिक्स में 16 पोस्ट है। तो ये टोटल कुल मिला जुला के दोस्तों 494 रिक्रूटमेंट जो है वैकेंसी जो है निकाली गई है इसकी। और इसका पे ग्रेड अगर देख लेते हो दोस्तों, लेवल 6 का पे ग्रेड है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर मंथ इंक्लूडेड अप क्लास 10th सिटीज़। इसके बाद एज लिमिट है दोस्तों 28 साल, इसको मैक्सिमम रखी गई है। बाकी जो रिजर्वेशन है SC ST OBC के लिए उसके लिए कुछ उसमें छूट दी गई है। तो इस पर आप आके इस साइट पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके परीक्षा का प्रोसेस देख लेते हैं तो इसमें जो है आपके ये एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है इतने सिटीज़ को बनाया गया है, इसको आप देख लीजिए। और सिर्फ इसमें जो है लिखित परीक्षा CBT स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा दोस्तों वो 150 नंबर का होगा। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का है। CBT प्रोविजनल सेक्शन की बात करें, टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के लिए अलग टेस्ट होगा दोस्तों। उसके लिए जो है 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रखे गए हैं। टोटल ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का रखा गया है। तो ये इसका परीक्षा का स्वरूप है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें अलग अलग, अभी आप आगे जाएंगे तो इसमें सिलेबस भी आपको दिख जाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है आपको 29 अगस्त 2018 है, अभी भी समय है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो DRDO का ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।